हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद शास्त्रा एम शास्त्रा टुडे विल बी डिस्कसिंग विलियम कार्लोस विलियम्स जो कि आपके पेपर मॉडर्न ब्रिटिश एंड अमेरिकन पोइट्री के अंदर है बहुत इजी है ये आप ये मैं सोचना कि इसकी दस पोइम्स हैं कौन पढ़ेगा बहुत बोझ है बाकियों से तो कंपेरेटिवली ईजी है ये ठीक है तो विलियम कार्लोज विलियम जो था ठीक है वर्ल्ड वॉर वन के टाइम पे इसने लिखा ठीक है और इसमें क्या था इमेज था ये ठीक है इमेजेस था इमेजेस बहुत ज़्यादा शो करता था अपनी पोइट्री के अंदर और ये बिलीव करता था शो डोंट टेल बताओ मत करो दिखाओ ठीक है ये इसका अप्रोच रहता था पोइट्री के अंदर ऑर्डिनरी स्टाइल जो है वो ये यूज करता था ठीक William है विलियम कार्लोस विलियम्स की फर्स्ट पोईम आ जाती है जनवरी मॉर्निंग जो कि 1917 के अंदर आई जिसमें कंक्रीट इमेजेस आपको दिखाई जा रही हैं और इसमें जनवरी मॉर्निंग में दिखाया जा रहा है किस तरीके से जो पॉइंट है वो ग्राउंडेड है वर्ल्ड के अंदर डाउन टू अर्थ है मैन ऑफ लेटर्स उसको इस तरीके से दिखाया जा रहा है और मॉडर्निज्म का लीडर है जनवरी क्या होता है कोल्ड विंटर होता है विंटर के सीज़न की जनवरी की हार्शनेस को बताया है देखो जनवरी में क्या होता है सब चीज़ें लेट लेट होती है ना लेट से उठते हैं हम लोग भी और चिड़ियाँ वगैरह भी लेट से चहचहाने शुरू करती हैं सुबह भी जो है वो लेट होती है है ना रातें जो है वो आपकी कैसे बहुत डार्क हो जाती है रातें है ना ठंड हो जाती है ना क्योंकि तो स्टिलनेस को जो है वो रिप्रेजेंट करता है चीज़ें जो है वो रुक जाती हैं कहीं ना कहीं ठीक है कोल्ड विंटर मॉर्निंग होती है सीजन क्वाइट होता है स्टिलनेस को रिप्रेजेंट करता है सिंपलिसिटी बताता है कि नेचर कितनी सिंपल है बर्ड्स और ट्रीज ठीक है पीसफुल जो है वो दिखाता है कि एटमॉस्फेयर कितना पीसफुल है जनवरी की मॉर्निंग कितनी पीसफुल होती है ठीक है तो इस तरीके से जो है वो इस वाली पोइम में सिर्फ इतना ही और जब भी आपको ये पोइम आएगी तो ऐसा भी आ सकता है कि बताओ नेचर का क्या रोल है विलियम कार्लोज विलियम की पोइट्री में तो आपने सारी की सारी पोइम्स को कंपेयर कर देना है मतलब जो भी इसका क्वेश्चन आएगा ना किसी एक पोइम पे तो आएगा नहीं दो तीन पोइम्स उसमें लिखी ही होंगी ठीक है तो तुम लिख सकते हो इसको इजी है ये सारी की सारी पोइम्स भी याद कर लेना मैंने भी करी थी अपने टाइम पे मुझे याद है तो सारी की सारी याद कर लेनी दस के दस छोटा छोटा तो बता रही हूँ मैं इतना ही याद करके गई थी मैं भी तो तुम लोग भी इतना कर लेना और इन पॉइंट्स को लिख देना ठीक है जो भी आएगा जैसे भी आएगा घुमा फिरा के अब तो तुम्हें पता लग लगेगी कि पहले दो सेमेस्टर भी निकाले हैं जैसा भी आएगा लिखना वही होता है जो है सिलेबस के बाहर का थोड़ी पूछ लेंगे ट्रैक्ट इसके नेक्स्ट पॉइंट में जाएगी जिसमें वो फ्यूनरल प्रैक्टिस को जो है वो क्या कर रहा है क्रिटिसाइज़ कर रहा है जब हम फ्यूनरल प्रैक्टिस करते हैं ना जैसे वो जलाने जाते हैं है ना तो उसको जो है वो क्रिटिसाइज़ कर रहा है वो क्या बोल रहा है बता रहा है कि किस तरीके से फ्यूनरल में जाते हैं किस तरीके से फ्यूनरल में जाते हैं एडवाइस दे रहा है कि फ्यूनरल प्रोजेशंस में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ठीक है फ्लावर्स नेसेसरी नहीं है वेल ड्रेस्ड ड्राइवर भी नेसेसरी नहीं है ये सब इसमें जो बता है बताता है की जो है ये पोइम है नेक्स्ट पोइम है बाई दी रोड टू कॉन्टेजियस हॉस्पिटल सेवन स्टैंडा की पोईम है और ये रोड से ट्रैवल कर रहा है हॉस्पिटल जा रहा है ठीक है अलोंग रोड रोड के साइड साइड में क्या देख रहा है कि प्लांट जो लाइफ है प्लांट लाइफ जो है वो कैसी हो रही है डिके मुरझा गए हैं प्लांट्स सूख गए हैं कि पानी नहीं है ऑब्वियसली ऐसा ही कोई रीज़न होगा क्योंकि मॉडर्न एज चल पड़ी है बुशेस जो हैं ट्विग्स वो क्या मडी हो गई हैं ठीक है और वाटर जो है वो स्टैंडिंग वाटर है स्टैंडिंग वाटर वैसे भी अच्छा नहीं होता क्योंकि वो बीमारियों का घर होता है ठीक है स्प्रिंग जो है स्प्रिंग का लैंडस्केप दिखाता है और वर्ल्ड वॉर वन की बात इसमें करता है ठीक है नेक्स्ट यूनिसन यूनिसन जो है वो दो फ्रेंड्स के बीच में कॉन्वर्सेशन के बारे में बताता है और नेचर की ब्यूटीज़ के बारे में बताता है ग्रीन ग्रास माउंटेन्सपरिचुअलिटी है ना और नेचुरल वर्ल्ड के साथ कनेक्शन के बारे में बताता है मेपल्स मेपल ट्री होता है ना जिनका सिरप भी होता है मेपल सिरप श्राइन के बारे में बताता है और स्नैक जिस तरीके से अपनी स्किन को शेड करता है ठीक है कैचुली वगैरह अगर तुमने सुना हो तुम्हारे घरों में बात हुई तो और जो है वो यूनिटी की बात करता है किस तरीके से जो है वो यूनाइट होके रह रहे हैं हारमनी की बात करता है मेडिटेटिव टोन है मीन्स काम टोन है इसकी पोइम की इसमें इतना ही है ज़्यादा कुछ नहीं है नेक्स्ट आ जाती है द लास्ट वर्ड्स ऑफ माई इंग्लिश ग्रैंड मदर आप देख रहे हो कितनी ईजी है पोइम्स कुछ भी नहीं है इनमें द लास्ट वर्ड्स ऑफ माई इंग्लिश ग्रैंड मदर नाइनटीन ट्वेंटी फोर में पब्लिश हुई थी नाइनटीन थर्टी नाइन में इसका शॉट वर्जन आया अब ग्रैंड मदर बेचारी सफरिंग कर रही है बहुत करीब है डेथ के मौत के ठीक है सिक रूम में पड़ी है मीन ऐसे रूम में पड़ी है बेचारी बीमार अनविलिंग टू गो टू हॉस्पिटल और अनविलिंग टू गो टू हॉस्पिटल बोल रही है मैंने हॉस्पिटल नहीं जाना है ठीक है मेरे को नहीं जाना हॉस्पिटल फाइनली एम्बुलेंस को बुलाते हैं लेकिन जैसे ही वो पहुँचती है हॉस्पिटल पहुँचने से पहले ही रास्ते में उनकी डेथ हो जाती है ठीक है तो आखिर में डेथ ही सब कुछ है उसको हमें एक्सेप्ट करना है ये पोइम हमें ये जो है वो बताता है कि हमें एक्सेप्ट करना पड़ जाएगा दो स्टेंसा की पोइम है नेक्स्ट है द वेकन एंड ओल्ड लेडी ओल्ड एज को रिप्रेजेंट करता है और ओल्ड एज की डिफिकल्टीज को बताता है कि ओल्ड एज में लाइफ कितनी होपलेस हो जाती है आपके पास कोई होप नहीं होती है ओल्ड एज किसकी तरह है बर्ड्स की तरह है, है? जहाँ जा रही है चले जाओ कोई होप नहीं है इतनी बड़ी ओल्ड एज जो है लेकिन स्वीट होती है फिजिकली और मेंटली आप वीक हो जाते हो लेकिन ठीक है और जब तक आपकी डेथ नहीं हो जाती यू डोंट गिव इजीली ये भी हमें ओल्ड एज में सीखने को मिलता है नेक्स्ट आ जाती है द विडोज लेमेंट इन स्प्रिंग टाइम स्प्रिंग एंजाममेंट क्या होता है कि एक लाइन जो है वो वहाँ पे ख़त्म नहीं की उसको कंटिन्यू कर दिया नेक्स्ट उसमें एक स्टैंडा में जो लाइन्स होती है ना खत्म हो जाती है ना जैसे कोमा वगैरह लगा के इंजाममेंट में क्या होता है आधी लाइन यहाँ आधी लाइन नेक्स्ट उसमें होगा फिर आधी लाइन ऐसे करके वो होता है इंजाममेंट सौरों को बताता है विडो का लेमेंट है विडो का लेमेंट है स्प्रिंग टाइम में स्प्रिंग टाइम ऐसे तो बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम होता है पॉजिटिव टाइम होता है इतने नए जो है वो मतलब फ्लावर्स वगैरह हर चीज़ ग्रीनरी है ना लेकिन यहाँ पे क्या है लेमेंट दुख मना रही है लाइफ और डेथ का इसमें जो है वो सिग्निफिकेंस है विडो की लाइफ क्या होती है कुछ भी नहीं होती है रियालिटी में अगर आप देखें तो ठीक है वो कैसे जी रही होती है लाइफ इन डेथ क्योंकि उसकी लाइफ जो है वो क्या बन चुकी है डेथ के इक्वल बन चुकी है ठीक है और जो लाइफ में वो जी रही है उसमें डेथ इन लाइफ का भी आ जाता है Next है नेक्स्ट विडो विडोड मैन वुमेन जिसने अपने हस्बैंड को खो दिया है ठीक है और अब वो प्लेजर नहीं ढूंढ पा रही है ठीक है कोई पैशन नहीं है उसको नेक्स्ट है टू अ पुअर ओल्ड वुमेन फोर्स एंजा की वुमेन जो है वो क्या कर रही है एक्सपीरियंस कर रही है अलोन ही प्लम्स को खा रही है ये आ जाता है कभी कभी कि क्या खा रही है टू अपर ओल्ड वुमेन में ठीक है किस चीज़ का रेफरेंस है तो प्लम्स का रेफरेंस है ठीक है और एक बारी में एक ही खा रही है बैग से उसको इंजॉय कर रही है एक बारी में एक इंजॉय कर रही है धीरे धीरे खा रही है और राइप फ्रूट राइप जो है वो कहीं ना कहीं सिंबल है कि कम्प्लीटनेस पे ठीक है चीजें कम्प्लीटनेस पे हैं द याश ये जो है वो आपको पता है ना सेल करती हैं बोट की तरह ही होती है काइंड ऑफ ठीक है और सेफ चीज़ को जब रिप्रेजेंट करती, करती है प्रोटेक्शन को रिप्रेजेंट करती है ठीक है और कहीं ना कहीं जब सेलिंग हम करते हैं तो हम एक पावर को रिप्रेजेंट करते हैं डोमिनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं रिचनेस को रिप्रेजेंट करते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं ठीक है लेकिन जहाँ पे जिस वाटर में वो सेल कर रही हैं वहाँ पे क्या है बॉडीज़ हैं बॉडीज़ कौन सी जो कि पुअर लोग हैं सेल्वेशन के लिए रो रहे हैं कि भगवान हमें बुला ले हमसे नहीं जिया जा रहा ये ग्रेट डिप्रेशन जब हुआ था ना यूएस में उस टाइम की इमेज आपको दिखाई जा रही है कि जो ऊपर वाले लोग हैं उनको आप इससे रिप्रेजेंट कर रहे हो लेकिन जो बेचारे नीचे वाले हैं वो वाटर में जो है वो सेल्वेशन के लिए जो है वो चीख रहे हैं मीन्स उनके पैरों तले घूम रहे हैं सफरिंग 1929 में हुआ था ग्रेट डिप्रेशन उसके बारे में बताया गया है लास्ट पोईम में दीज 1938 थर्टी के डिप्रेशन के बारे में बताता है नेगेटिव पोईम में बहुत ज़्यादा पेसिमिस्टिक टोन है मेलन कली की बात करता है और सिग्निफिकेंस बताता है एवरीडे ऑब्जेक्ट्स के ये बोलते हैं कि हमें सेलिब्रेट करना चाहिए ऑर्डिनरी थिंग्स को चाहे व्हील बैरो हो चिकन्स हैं रेन वाटर है इनको हम इन्जॉय करेंगे ब्यूटी हमारी जिंदगी में है हम देते हैं मीनिंग अपनी लाइफ को खुद हम मीनिंग देते हैं अपनी लाइफ को जो भी कॉमन थिंग है वो अपने आप में ही यूनिक है ठीक है सो दिस इज़ ऑल नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न ब्रिटिश ड्रामा को ठीक है उसके भी हम तीन डिस्कस करेंगे कोई सो गॉड ब्लेस यू ऑल टेक केयर बाय बाय आई होप आपको समझ आ गया होगा थैंक यू